मिर्जापुर में नमक रोटी के मामले में प्राथमिक विद्यालय सियूर में गुरुवार को पत्रकार के समर्थन में बच्चों के नहीं पहुंचने पर मचे हड़कंप के कारण शुक्रवार को अधिकारियों की टीम स्थानीय तहसीलदार और एबीएसए के साथ पहुंची। टीम ने अभिभावकों को घर घर जाकर समझाकर उन्हें बच्चों को भेजने के लिए मनाया। हालांकि इस दौरान अधिकारियों को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, मगर स्कूल में शुक्रवार को कुल 32 बच्चे पहुंचे। स्कूल में टीम डटी रही है। वहीं स्कूल में नया शौचालय भी बनना शुरू हो गया है। हालांकि बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से अभिभावक अभी भी नाराज है। 32 बच्चे हैं। तो कैसे आए, ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग गांव जाके मिले हैं, अभिभावकों से समझाया है? कल जो दिक्कत बताई गई थी उसमें ये पता किया गया, तो अफवाह उड़ाई गई थी और रात में कुछ लोगों ने जाके गाँव वालों को समझाया है, धमकाने टाइप का कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए। तो इस तरह की दिक्कतें थी और जिसका हम लोग डोर टू डोर करके प्रयास करेंगे कि बच्चे स्कूल आए। इस तरह का कल कितने बच्चों की स्ट्रेंथ थी यहाँ पे? कल बहुत कम बच्चे आए थे, इसीलिए तो आज इस तरह का ड्राइव चल रहा। विद्यालय में नमक रोटी खिलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की लीपापोती से ग्रामीण भयभीत है। उनका कहना है कि सच्चाई दिखाने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। प्रधान प्रतिनिधि को जेल भेज दिया गया। अगर कभी विद्यालय में बच्चों को जहर दे दिया गया तो वह शिकायत करने जाएंगे तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए उनके बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे। ये है कि बच्चों तो पहले नमक रोटी खा रहे थे, जो उसका कोई मतलब किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मास्टर ने बोला कि हम ऐसा ही करेंगे, इनको जो करना हुआ कर लो। तो जो प्रधान थे वो आए यहाँ पे, तो उनको मने बोले तो वो नहीं माने, तो वो गए वहाँ पे तो मीडिया को लेके आए, तो वीडियो बनाए, वो नमक रोटी का दिखा गया, सब आए अधिकारी आए चेक किए तो वहाँ पे सही निकला। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं ये झूठ बात है, प्रधान हमारे चल गए जेल में, तो इसलिए बच्चे रुक गए हैं, पढ़ने नहीं जाएंगे प्रधान जब तक नहीं छूटेंगे।